शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपके साथ कुछ गलत ही हो। और देखिए अपनी हालत देखिए आप। अरे इसीलिए हम तुमको कहते हैं कि तुम इतना काम मत करो, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है। अरे अम्मा जी, छोटा मुंह बड़ी बात हुई जावेगी। हमारी अम्मा कहे थे कि जेके सपनों में संख बजे है ना, ऊपे बस साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद हुए है। हाँ हाँ, वो तो है ही हमारी श्रद्धा पे। अच्छा ये सब छोड़िए आप लोग, अब श्रद्धा भाभी को सो जाना चाहिए, वैसे भी बहुत रात हो गई है और कल पूजा है, तो श्रद्धा भाभी कल भी आराम नहीं कर पाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, चलिए हम सोते हैं। हाँ तुम जरा सी देर के लिए गायब क्यों हुई, मेरी तो जान निकल गई थी। जान नहीं जाने दूंगी इतनी आसानी से अब है, और तुम्हें तुम्हारी इस जान से अलग सर्व करके रहूंगी। कल से दिन के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत जरूरी दिन है। कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हें खुद से कभी भूल नहीं जाने देंगे। जानती हूँ जो मैंने आज देखा वो सपना नहीं था, मुझे किसी ने बेहोश किया था, पर वो था कौन और मैं उस वक्त कहाँ थी। कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे इस रूपा पे ना हर वक्त नजर रखनी होगी। अब मम्मी जी आपने रूपा को कहीं देखा है क्या? अरे हाँ ना, वो नीचे गई है नैना भाभी के पास उन्हें मदद करने के लिए। अरे अरे श्रद्धा, सब लोग हैं ना उनके साथ, अभय आरती ऋतु सब लोग पूजा की तैयारी के लिए नीचे गए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं नीचे ही जाकर देख लेती हूँ। अरे एक मिनट रुको, ये तुम ले जाओ और नीचे मंदिर में सजा देना, ठीक है? अरे हम तब तक अनुज जी को ना उनकी दवाई दे के आते हैं, क्योंकि उनको पंडित जी को भी लेने जाना है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि ये रूपा ये हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। रूपा मसाले ठीक से पीस देना, एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। जी अम्मा जी। अब वो कर लीजिए, तब तक हम पूजा के बर्तन धो देते हैं। हे भगवान, कहीं सब्जी तो नहीं जल गई। श्रद्धा एक बार इस रंगोली को देख लो, हमने सही से बनाई है या नहीं। जी। और आप ये मत कहना कि रहने दीजिए बुआ जी, आपसे ना हो पाएगा हम कर लेंगे। बुआ जी इस घर में ना सबसे सुंदर रंगोली आप ही बनाती है, और कितनी सुंदर तो बनाई है। अरे रुको, जो बात तुमको बोलनी थी काम था वो तो भूल ही गए। एक मिनट रुको, अभी आते। अरे श्रद्धा तुमको वो हम
हमारी पंकी नगर वाली सहेली याद है ना, उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था और वो पैसे भी जीत गई। वैसे ज्यादा पैसे तो नहीं जीती थी, लेकिन जीती तो। हमें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी लॉटरी जीत जाएंगे। मतलब कुछ भी बुआ जी, अरे एक दो इत्तेफाक क्या हो गए, आप तो सीधा लॉटरी पर ही पहुंच गई। इत्तेफाक है या किस्मत, ये तुम हमको तय करने दो। दिखता है श्रद्धा, तुम जिस भी चीज को छू लेती हो ना, वो सोना बन जाता है। हमारे अभय को ही देख लो। प्लीज श्रद्धा, इसमें से कोई एक चुन कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाली टिकट। अरे अब मैं दिए सजा लूं। जय माता रानी की। दीदू क्या कर रही है ये आप? ये हमें दीजिए, आप ना रसोई में जाइए। माँ कब से आपके बारे में पूछ रही है, जाइए। अच्छा रोशनी, दीदू किचन की तरफ जा रही है, रेडी रहना। अब ये रोशनी आपके जीवन में अंधेरा लेकर आएगी दीदू। बड़ी अम्मा, हम ये मसाला पीस दिए हैं, आप बस इन्हें गुनिया ही लीजिए। हम ना जरा बाहर नजर मार के आवत हैं, कहीं किसी को चाय नाश्ता ना का जरूरत ना हो। हाँ हम आवत हैं। ठीक है। ताई जी, पानी से दूर हटिए, हटिए ताई जी। लाख लाख शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। श्रद्धा क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? अबे पता नहीं कैसे ये खुला हुआ तार किचन में और पानी भी इतना कैसे फैल गया। तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे श्रद्धा आ गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। नहीं मम्मी समक बोली, आपको कुछ नहीं होगा। श्रद्धा के होते हमें कुछ हो सकता है भला? सच में धन्यवाद श्रद्धा। अरे आज पूजा है और उसके पहले ही आना होते होते रह गया चाची जी, दीदू की वजह से। हमारी चीची तो अनंत का अर्थ ही मिठाई दी है। हम तो पहले ही मिलने में समझ गए थे कि कुछ खास है हमारी चीची में। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं बस खुशियों का फूल बरसाती है। पर पानी किसने खुला छोड़ दिया? तो ये तार
इतना सारा काम माँ अकेले संभाल रही है, ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ, होने को तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पानी यहाँ पे फैल रहा है और उसी वक्त कटा हुआ खुला तार यहाँ पे कैसे पड़ा है। इतना सारा काम है, चीजें इधर उधर हो जाती हैं, उसे गिर जाती हैं। वैसे ही तार गिर गया होगा। अरे पर देखिए ना, माँ बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ आपकी वजह से। आप, हाँ आप लोग भी जाइए, बाहर का काम कर लीजिए, मैं तब तक यहाँ पे सब कुछ साफ कर देती हूँ। और पंडित जी भी कभी भी आ जाएंगे तो आप सबको जाना चाहिए। रुको रूपा, तुम कहाँ जा रही हो? रसोई में इतना पानी फैल गया, ये साफ कौन करेगा? जी ये लो। रूपा एक बात बताओ, तुम तो रसोई में ताई जी के साथ ही थी ना? चलो मानती हूँ ताई जी काम में व्यस्त थी, पर यहाँ पानी खुला रह गया और उसी वक्त खुला तार भी पड़ा है, इस पर तुम्हारी नजर एक बार भी नहीं गई? ओ जीजी, हमारे घूंघट की ऊपर हमारी नजर ही नहीं हो पाई। हम भी खुद ही मन में समा मांग रही कि हमारे होते हुए बड़ी अम्मा के साथ ऐसा कैसन हुई गवा। आरती बेटा, सारा काम हो चुका है, अब तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, ऐसे वक्त में ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहते बच्चा। हाँ बेटा आओ, फल खा लो, आओ। जी मम्मी। एक मिनट आरती, फल खाने से पहले एक बार काट के देख लो, अंदर से कहीं खराब तो नहीं है ना? भाभी भूख से सर घूम रहा है तो अभी ऐसे ही खा लेती हूँ ना। हाँ हाँ खा लो, अरे फल तो अभी मंगाए थे, ताजा है, सब ठीक है, खा लो। मम्मी जी, आरती और उसके बच्चे के लिए देख के ही खाना बेहतर होगा। आजकल के बच्चे भी ना, अरे तनुजा और हमने तो इतने फल तोड़ तोड़ के खाए हैं ना पेड़ों से, हमें देखिए और हमारे बच्चों को देखिए। आरती, इस बहस का कोई अंत नहीं है, तुम्हें अगर खाना ही है तो काट के खा लो फिर। आरती, इन बड़े बूढ़ों को कौन समझाए कि आजकल हर चीज देख के खानी पड़ती है। ओ लाओ भाई, हम ही इसे काट कर देख लेते कि क्या बवाल है इसे। देख लीजिए मम्मी, अभी श्रद्धा की बात नहीं सुनी होती तो क्या हो जाता। आरती तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? अब से ना खाने पीने के वक्त अपना खास ख्याल रखना, ठीक है? हेलो, हाँ जी, सच कह रहे हैं ना? अगर ये सच है तो आपके मुंह में घी शक्कर। श्रद्धा, 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 श्रद्धा। हम बहुत कर रहे। अरे अरे बुआ जी, इतना क्यों पकला रहे हो, क्या हुआ? हाँ बुआ जी, हमें भी बताइए, ऐसी क्या खबर मिली आपको? हमारी खुशकिस्मती और
श्रद्धा की वजह से हम 10 लाख की लॉटरी लग गई है। क्या 10 लाख? 10 लाख? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो रितु। हमको बधाई और श्रद्धा को आशीर्वाद। नहीं नहीं बुआ जी, ये सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है। अरे चलिए पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि खास आपके लिए दीदू, हमारी भी तैयारी हो गई है। नमस्ते। 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 तैयारी तो आपने जबरदस्त की है भाभी जी। अरे हम अकेले कहाँ कर पाते इतना सब, हम सबने मिलकर किया है। अच्छा पूजा का मुहूर्त कब का है? मुहूर्त तो शुरू हो गया है। अभय के पापा गए हैं पंडित जी को लाने, जैसे पंडित जी आएंगे वैसे ही हम पूजा शुरू कर देंगे। आइए पंडित जी। हाँ आगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी की आयुष्मान। सौभाग्य तो है लेकिन भाग्य में पति नहीं रहेगा तुम्हारा श्रद्धा। अब पूजा का समय हो गया है, चलिए पूजा आरंभ करें। चलिए आए। श्रद्धा बेटा सबसे पहले तुम दिए जला दो। जी। दिए खुद जल गए, खुद अपने हाथ। चमत्कार, अद्भुत। ये तो स्वयं साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ये दिए अपने आप कैसे जल गए? ये हमें दीजिए, आप ना रसोई में जाइए। चमत्कार और इत्तेफाक में मुझे फर्क समझ आता है, पर ये सब किसने किया है? इस सच्चाई का पता लगाना ही होगा मुझे। जय माँ सरस्वती, पूजा आरंभ करते हैं। श्रद्धा की श्रद्धा का नजारा तो अब यहाँ सब देखेंगे। देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन रूपा, और यहाँ आने की तुम्हारी असली वजह है क्या? सरस्वती माता की
पहले दिन से ही मुझे तुम पर शक था कि इतनी आसानी से तुम हमारा पीछा तो नहीं छोड़ने वाली। पिछली बार तुम पे तरस खाके श्रद्धा ने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर से हमारे घर में घुस आई। अरे हमारे घर में तुम अपने मनहूस कदम रख के फिर से मनहूसियत फैलाना चाहती हो? अरे तुम्हें तो हम धक्के मार के बाहर करेंगे। चलो यहाँ से। रुकिए, बाहर क्यों भाभी? अभी के अभी हम पुलिस को बुलाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं अब ऐसे दूर नहीं रह पाई थी, बस इसीलिए यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं जाना प्लीज। अरे चुप करो, चलो यहाँ से। चलो बुआ जी, मम्मी जी, आपके सामने अपनी गलती मानती हूँ और उसकी माफी भी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी माफी से ही अब मेरा प्रायश्चित शुरू होगा। मुझे माफ कर दीजिए। जय माँ सरस्वती। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आपका गुस्सा पता नहीं मुझ पर क्या असर करेगा। नहीं, मुझे नर्क में नहीं जाना है। मुझे नर्क में नहीं जाना है। तुम्हारे नाटक को नर्क में मैं भेजता हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना जेल भेज दूंगा तुम्हें। नहीं अभय, मुझे देवी श्रद्धा से दूर मत करो। बस, श्रद्धा कोई देवी नहीं है, वो श्रद्धा अभय त्रिपाठी है। अब मैं देवी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो, मैं श्रद्धा देवी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रोशनी, छोड़ो मेरे पैर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।